हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रेनू द किचन चैनल पे। अगर आप सभी रोज़ रोज़ के नाश्ते से बोर हो गए हैं तो आज हम कुछ बढ़िया सा, कुछ नया सा लेके आए हैं। देखिए कितना क्रिस्पी है। अगर आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्यों आप सभी को मेरे चैनल पे अच्छी रेसिपियाँ देखने को मिलेंगी। और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा। बहुत ही यमी नाश्ता है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है। तो चलिए आइए बनाते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे आलू ले लिया है। आलू मैंने छील के इसको हम कट कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च और अदरक लिया है, उसको इसमें डाल देंगे। और मैंने यहाँ पे ली है पालक। पालक इसलिए ली है क्योंकि इसका कलर बढ़िया हो जाएगा और पालक थोड़ी हेल्दी भी होती है, इसलिए मैंने इसमें डाल दी है। वैसे अगर आपके पास नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप बिना पालक के भी बना सकते हैं। इसमें हल्का सा मैंने हल्का सा बिल्कुल पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पे ये मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से ये मेरा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। अब चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं हम। यहाँ पर ये मैंने सूजी ले ली है। सूजी है ये मेरी मोटी वाली। बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनाने जा रही हूँ मैं। ये दही है, एक कप दही है। दही को डाल देंगे हम। अब इसको हम मिला लेंगे। अगर आप इस नाश्ते को बनाएंगे तो बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। मुंह में पानी आ जाएगा आप सभी के। हमें चलाते जाना है, धीरे धीरे इसको डालते जाना है और धीरे धीरे चलाना है। एकदम से हमें इसका पेस्ट नहीं डालना है, धीरे धीरे डालते जाएं और इसको चलाते जाएं इस तरीके से। बच्चों को बड़ों को काफ़ी पसंद आएगा ये। बहुत ही इजी है बनाने में और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। ये देखिए हम धीरे धीरे डालते जा रहे हैं और इसको मिलाते जा रहे हैं, एकदम से नहीं डालना है। अच्छी तरीके से हम इसको मिला लेंगे और फेंट लेंगे अच्छे से। अब इसमें डाल रही हूँ नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसको मैं मिला लूँगी। अब इसमें मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। इसको हम चला लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसको मैं चला के अच्छी तरीके से फेंट के, ये देखिए इस तरीके का हमारा बैटर होना चाहिए। अब इसको मैं 5-10 मिनट के लिए रख दूँगी ढक के, इससे सूजी फूलेगी हमारी। चलिए अब ये यहाँ पे देखिए सूजी हमारी फूल चुकी है। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे थोड़ा सा और इसको मिला लेंगे। अगर आपके यहाँ चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं इसमें। इसमें मैं डालूँगी। जब हम इसको बनाने जाएं तभी हम इसमें, ये खाना सोडा डाल रही हूँ मैं, जब हम बनाने जाएं तभी हम एकदम डालें, पहले से नहीं डालें खाना सोडा। और इसमें मैं नींबू निचोड़ रही हूँ। ये देखिए क्या बढ़िया जाग आ रहे हैं इसमें, आपको भी दिख ही रहा होगा। ये आधा नींबू निचोड़ दिया है मैंने। अब इसको हम मिला लेंगे, फेंट लेंगे बढ़िया तरीके से। ये फिट गया है। अब यहाँ पे मैंने एक इस तरीके की प्लेट ले ली है। अगर आपके पास नहीं हो तो एक डब्बा सा ले सकती हैं। इसमें मैं हल्का सा तेल लगा लूँगी चारों तरफ और इसको, ये बैटर को मैं सारे को इसमें कर दूँगी। और इसको मैं अब पकने के लिए रख दूंगी। यहाँ पे मैंने गर्म पानी करने रख दिया है बॉईल करने के लिए। अब इसमें हम रख देंगे। अगर आपके पास इस तरीके का सांचा नहीं है तो आप एक कढ़ाई ले सकती हैं, उसमें थोड़ी छोटी सी कटोरी रख के, उल्टी रख के उस पर आप प्लेट ऐसी ले सकते हैं, उसमें इस तरीके से ढक के बना सकते हैं। इसको मैंने ढक दिया है, अब इसको हम पकने देंगे। आइए तो देखते हैं कि हमारा ये बना है कि नहीं, पका है कि नहीं अच्छी तरीके से।
तो इसको हम देखेंगे, एक नाइफ़ की सहायता से देखेंगे, इसको हम डालेंगे। ये देखिए नाइफ़ में बिल्कुल भी ये नहीं चिपक रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा पक चुका है। तो हम इसको निकाल लेंगे। अब ये देखिए हमने निकाल के इसको ठंडा कर लिया है, और नाइफ़ की सहायता से हम इसको बगल में अच्छी तरीके से इस तरीके से निकाल लेंगे, इसलिए जो ये निकलने में इसको परेशानी ना हो। इस तरीके से अच्छे से बगल बगल में इसको निकाल लेंगे, और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसके हम पीसेस कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें इसके पीसेस कर लेने हैं। ये देखिए इसके पीसेस कर लिए हैं, मैं आपको उठा के दिखाऊं। ये देखिए बहुत ही स्पंजी बने हैं, देखिए बहुत ही बढ़िया बने हैं। अब चलिए हम आगे की चीज़ प्रोसेस करते हैं अपनी। ये देखिए बहुत ही स्पंजी, बहुत ही बढ़िया बने हैं। अब यहाँ पे मैंने पैन रख लिया है, पैन में मैंने तेल डाल दिया है। तेल को हम गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें मैं बारीक बारीक राई और जीरा डाल दूंगी, और इसको कड़कने देंगे थोड़ी देर के लिए। इसको चारों तरफ फैला लेंगे हम। अब जो हम इसमें हल्की सी मैंने हल्दी डाल दी है, इसलिए जो इसमें कलर आएगा बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। अब इसमें जो मैंने पीसेस करके रखे थे उनको हम इस तरीके से रख देंगे, सभी पीसों को इस तरीके से। आप इस ब्रेकफास्ट को ज़रूर बनाइएगा, देखिएगा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे लगेंगे। और आप बनाते ही समय देखिएगा, आप सभी के मुंह में पानी आ जाएगा इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो अगर आप बनाएंगे इस तरीके से और खाएंगे तो बहुत ही यमी और बहुत ही बढ़िया लगेंगे। ये देखिए हम इसको हल्की आँच पर पकने देंगे, तेज नहीं करेंगे, हल्की आँच पर पकने देंगे। ये देखिए अब धीमी आँच से मैंने इसको पका लिया है। इसको हम देखिए पलट के देखते हैं। ये देखिए वाओ क्या क्रिस्पी बना है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं। अब सभी को हम इस तरीके से पलट लेंगे। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से उतना ही सॉफ्ट बनेगा। इस तरीके से धीरे धीरे देखिए बहुत ही बढ़िया कुरकुरे यमी सिक गए हैं। ये देखिए अब इसी को हम दूसरी तरफ भी इस तरीके से हल्की आंच पे पकने देंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सिके हैं। ये देखिए हमारा स्नैक ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो गया है, बहुत ही यमी सूजी का। ये देखिए ऊपर से मैंने धनिया गार्निश कर दिया है इसमें, बहुत ही बढ़िया। आप भी ट्राई करिएगा इस चीज़ को। अगर आप सभी को मेरी ये स्नैक की ब्रेकफास्ट की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।